अब न्यू ईयर वाले नेट आई है और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब न्यू व्लॉग आयुषी के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और शाम हो चुकी है, धनतेरस है, आप सबको हैप्पी धनतेरस। और मैं जा रही थी गोल्ड खरीदने और ये मैं रास्ते में पहुंच गई हूँ। काफ़ी ज़्यादा जाम है, धीरे धीरे गाड़ी वाले लेके जा रहे थे लेकिन कैसे कैसे करके चली गई। और मुझे बड़ा मन था सबको मैं देखी खरीदते, तो मैं भी सोची कि मैं क्यों ना खरीद लूँ, तो मैं चली गई फ्रेंड्स खरीदने। और ये मैं पहुंच गई तनिक्स में। और आप इसका कितना ब्यूटीफुल है ना फ्रेंड्स, कितना अच्छा तनिक्स को सजाया हुआ है उन्होंने। हर जगह जितनी आपको फूल देख रहे हैं सब कच्चा फूल है। और मैं उतर गई और उतरने के बाद मैं यूँ धीरे धीरे अपना मोबाइल का कैमरा खोल के चली जा रही हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और मैं बहुत दिन के बाद अपने आप को ऐसे देख रही थी। जब मैं बीमार हो गई थी उसके बाद मैं फ्रेंड्स बहुत कम ही निकल रही हूँ अभी बाहर। और ये सब ओरिजिनल है, सब हरियाली, इनका पेड़ पौधा सब ओरिजिनल लगा हुआ था वहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था फ्रेंड्स। और अब तनिक्स को मैं बार बार इसलिए दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, सामने अगर आप देखते तो आप कितने खुश हो जाते उस लाइट को देख के, क्या ही बताऊँ मैं। और ये गणपति बाबा आगे में ही रखे हुए हैं, सारे कच्चे फूल से सजाया हुआ है। और मैं अपना मास्क हटा ली और मैं काफ़ी गोरी दिख रही हूँ लाइट की वजह से, और ऐसे भी मैं बहुत ज़्यादा गोरी हूँ तो चलो चलते हैं फ्रेंड्स। और मैंने कैमरा दूसरे के हाथ में पकड़ा दिया और मैंने बोला था मेरी वीडियो शूट कर दो, तो उन्होंने शूट कर दिया है। और चलो एंट्री करती हूँ। इतना भीड़ था अंदर में फ्रेंड्स, और नीचे में मुझे कुछ नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, वो नीचे नहीं मिला फ्रेंड्स। तो मुझे उन्होंने बोला कि आप ऊपर चली जाओ मैम, तो फिर मैं ऊपर जा रही हूँ। और मुझे इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि एक इंच जगह नहीं था खड़ा होने के लिए और कोई किसी का बात नहीं सुन रहा था, इतना इतना बिजी, इतना बिजी। और उन्होंने ये मुझे इतना सारा ट्रे ला के दे दिया लेकिन साइज के किसी में नहीं था। उन्होंने बोला कि मैम आप दीपावली के बाद आओ, आपका ऑर्डर मैं ले लूँगी। और ये मेरा पर्स अकेले बैठा था बेचारा, फिर मैं इसके साथ हो गई और मैं सोची कि चलो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। और उसके बाद मैं अफसोस कर रही थी कि साइज का क्यों नहीं रहता, हमेशा ऑर्डर क्यों देना पड़ता है। और ये मैं सोच रही थी मैं बेच दूँ क्या, फिर मैं सोची नहीं 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 बेचती हूँ क्योंकि मुझे न्यू न्यू कलेक्शन लेना ठीक लगता है। और फाइनली मैंने ले लिया है और मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ। और आपको एक चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स, मैंने ये दूसरा तनिक्स ट्राई किया था क्योंकि उस तनिक्स में नहीं मिला था। और ये मैं आ गई हूँ मूर्ति लेने के लिए लक्ष्मी जी गणेश जी का। और ये मैं सोची कि जो लोकल शॉप होता है उसी से लूँगी, और मैं ये लोकल शॉप में आ गई जो रोड किनारे लगा होता है। और आप सबसे भी मैं अपील करती हूँ कि आप लोग जब भी ऐसे ओकेजन हो, फेस्टिवल हो, तो आप छोटे छोटे शॉप से सामान खरीदो क्योंकि बर्थडे खाने वाले के यहाँ बहुत लोग जाते हैं, छोटे वाले ऐसे ही रहते हैं। और ये भैया कब से खड़े थे तो फिर मैं यहाँ पे गई मूर्ति ख़रीदने और मुझे मूर्ति पसंद आया और भैया ने पैक कर दिया। और ये मैं रंगोली भी मुझे अच्छा लग रहा था और मैं रंगोली ली हूँ। और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था और मैं अभी तक कुछ भी शॉपिंग नहीं की क्योंकि उधर ही मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। आप देख सकते हो कि मैं बैठ के सोच रही थी, समझ रही थी क्या करूँ क्या करूँ। उसके बाद उसके कारण मुझे, और ये भैया पता नहीं मुझे क्यों बगल वाले ऐसे देख रहे हैं, वीडियो जब बन रहा था तब तो मुझे नहीं पता चला जब मैं ख़रीद रही थी, अब अभी वीडियो में एडिट करते वक्त देख रही हूँ उनको। और ये मैं इनसे इनका रेट पूछ रही थी कि कैसे आप दोगे। फाइनली सारा हो चुका है सामान, सारा सामान भैया पैक कर रहे हैं देने के लिए। और मैं इसको ख़रीद ली और मैं सोची दीवार के साइड में चिपका दूँगी, छोटा सा स्टिकर है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं मिठाई लाने गई जो मुझे गिफ्ट में सबको डिस्ट्रीब्यूट करना था। और ये मैंने प्यारा सा
ड्राई फ्रूट का गिफ्ट पैक लिया है, और ये हरिलाल से मैंने बहुत सारे लड्डू मोतीचूर के मंगवाए थे क्योंकि मुझे सबको बांटने थे, और काफ़ी ज़्यादा खुशी भी मिल रहा था दीपावली को लेके, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी अंदर से। और मैं ये जो लड्डू है वो मैं मोतीचूर का, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मोतीचूर का ही लड्डू ले लिया जाए। और मैं सारे लड्डू को सारे झोला में डाल दी हूँ सबको देने के लिए, और आप देख सकते हो फाइनली मेरा डन हो गया है, जो भी मैं सोच रही थी कैसे होगा लेकिन हो चुका है अच्छे से डन। उसके बाद मैं घर आ गई। मोमो, अब न्यू ईयर वाले नेट आई है और मोमो फाड़ दिए फ्रेंड्स, और इसको लगी है पिटाई, तो ये गुस्सा होके खाना नहीं खा रही है और सोई हुई है। तो मम्मा से क्यों गुस्सा होना बेटा, तो तुम फाड़ी तभी तो पिटाई खाई, डूम 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 डूम। अब मैं अभी बाहर से आई हूँ, अभी धनतेरस का कल थोड़ा सा शॉपिंग करी थी और बहुत काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, इस वजह से नहीं हो पाई है। तो अभी मैं फिर जाऊँगी रेडी होके, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण मैं थोड़ा लेट से ही जाऊँगी, बहुत ज़्यादा रश है आज। और धनतेरस का तो शॉपिंग हो ही गया है, आप देखे ही हो आगे वीडियो में गोल्ड मैंने लिया है, और अभी मैं जाऊँगी कल का दीपावली के दिन के लिए शॉपिंग करूँगी। और ये देखो ये कितनी छोटा सा इतना फेस लग रहा है, लड़की खाना नहीं खाई है 2 दिन से। मोमो, इसको नींद आ रहा है, इसको अगर दिन भर मेरे साथ इसको कहे ना कोई सोने के लिए तो ये सोई रहेगी, ये देखो कैसे सोई हुई है। मोमो उठ जा बेटा, चल चल उठना, चल ना चल ना चलो ना, ये देखो फ्रेंड्स कैसे सुन रही है कैसे सुन रही है, सूंत रही है ना मम्मा, मेरे को तैयार नहीं करना, मेरे को टी शर्ट देना ना पहनने के लिए, चलोगे घूमने चलोगी बेटा, देखो ये कैमरा में मम्मो बेटा, अभी दिन है लड़की, अभी 6 बजे क्यों सो रही है बेटा। मम्मा देखो कितना प्रसाद बांट के आई है मम्मा, सबको मिठाई दे के आई है ना बेटा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं फिर से मार्केट चली गई दूसरे दिन, और मैं उस दिन ये व्लॉग को एंडिंग नहीं कर पाई, और मैं उतना ज़्यादा सामान नहीं खरीद पाई थी धनतेरस के दिन। और आज मैं फिर से लोकल शॉपिंग करने के लिए निकल चुकी हूँ, जहाँ पे ये छोटे छोटे जो भी हैं चुन्नी उन्नी वो सब मैं खरीद रही हूँ, और अभी दिया लेना बाकी है, फिर मैं दिया भी लूँगी। और मैं यहाँ पर इनसे रेट पूछने आ गई, और वो आप जो तरबूज देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो उन्होंने 80 रुपये का बोला था, और मैं उनको बोल रही थी 50 रुपीज़ में दे दो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया वो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया और मैंने नहीं लिया। फिर से आंटी के पास आ गई दोबारा चुन्नी लेने, क्योंकि मुझे और चुन्नी लेना था और मैं भूल गई थी, तो फिर से आंटी के पास आ गई और आंटी ने चुन्नी दिया, और उनसे भी मैंने 2-4 रुपया कम करवा लिया बोल बोल के कि आंटी मुझे कम कर दो, तो उन्होंने कम कर दिया। इसीलिए हमेशा लोकल शॉपिंग करना चाहिए इन बेचारों को भी, क्योंकि ये तो फेस्टिवल में ही नीचे लगाते हैं ना, नहीं तो ऐसे तो पुलिस वाले भगा देते हैं होंगे इनको। उसके बाद मैं मुझे जो जो चीज़ चाहिए था मैं आंटी से मैं सारा कुछ वहीं पे बैठ के ले ली, क्योंकि इस आंटी का शॉप साइड में था और साइड में उतना ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और मैं आराम से शॉपिंग कर ली वहाँ बैठ के। और ये आंटी आई और मुझे एक झोला मारी और चली गई, और मुझे बाद में समझ में आया कि मुझे झोला से चोट लग गया है, यार देख के चलो कम से कम। और यहाँ से छोटी बच्ची बैठी हुई थी, और यहाँ से मैंने दिया लिया, और वो मैं दिया चेक कर रही थी कि टूटा फूटा है कि नहीं है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं ना खुद से चुन लो, तो मैं खुद से ही चुन रही थी फ्रेंड्स। और ये छोटी सी बच्ची दिया दे रही है मुझे, वैसे
चुकी है, गुड मॉर्निंग आप सबको और हैप्पी धनतेरस। और मैं वीडियो का एंडिंग नहीं कर पाई थी रात में भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो का एंडिंग अभी करने जा रही हूँ। और बहुत सारे शॉपिंग किए थे मैंने बहुत सारे धनतेरस में, आपको तो वीडियो में देखने को मिला ही होगा फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या खरीदी थी रात में, तो चलो चलते हैं दिखाने। फ्रेंड्स ये मैंने झोला भर के सामान लाया है, उठ भी नहीं रहा था इतना ज़्यादा सामान था। ये मैंने भगवान जी को रखने के लिए ये लाया है, और ये मैं सामने लगाऊंगी, कलर तो आपको दिखाऊंगी, रंगोली जिसको बोलते हैं। और ये मोमबत्ती है कुछ, और मेरे पास कुछ मोमबत्ती, वो जो छोटा छोटा वाला होता है कैंडल टाइप का, वो मेरे पास पहले से ही है। और ये भगवान जी का चुन्नी, और ये प्रसाद है, और ये तेल लाई थी मैं, और इसमें मैंने ये सब लाया है। आपको मैं सामने और अच्छे से खोलूंगी तो दिखाऊंगी, अभी पूरा बिखर जाएगा फ्रेंड्स। वो जो चुक्का होता है ना, वो खरीदी थी मैं अपने घर को भरने के लिए। देखो मैं बचपन में ना फ्रेंड्स ऐसे खूब खेलती थी ऐसे चुक्कों से, सारे लड़कियां खेलती रही होगी। और मैं बोलती थी मुझे पूरा सेट चाहिए, और कभी कभी मतलब दो तीन भी आता था। और ये मोमो इधर नहीं आओ, इधर नहीं है। और ये हुमाद है फ्रेंड्स। अब इतना सारा सामान मैं कल लेके आई थी, आपने किया है तो मंदिर भी सेट करना है फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे मैं रख दे रही हूँ। और आज मैं, हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं, मेरी बाल इधर से इधर हो रही है क्योंकि मैं सो के उठी हूँ और वैसे ही वीडियो का एंडिंग लेने लगी हूँ। और आज मैं ना बैंक खरीद के लाऊंगी जिसमें पैसे जमा करते हैं, वो मैं कल नहीं खरीद पाई, इतना भीड़ था मार्केट में कि मैं खरीद नहीं पाई। और आपको पता है कि मुझे अभी मेरे मतलब उतना ऐसा कंडीशन नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे वोमिटिंग जैसा फील होने लगा भीड़ को देख के काफ़ी ज़्यादा, तो इस वजह से मैं नहीं ले पाई। आज मैं लूंगी तो बैंक दिखाऊंगी, उसमें मैं पैसा, पिछले साल का भी मैं बैंक रखी उसको फोड़ी नहीं हूँ क्योंकि वो भरा ही नहीं है, तो फोड़ूंगी तो उसका भी अनबॉक्सिंग करूंगी आपके पास। और आज मैं क्या ड्रेस पहनती हूँ आपसे शेयर करूंगी, और वीडियो में बने रहना, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, बाय बाय फ्रेंड्स। और हाँ, कल धनतेरस था और दो दिन का व्लॉग था, ये दो दिन का मैंने शूट किया फ्रेंड्स, टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं शूट करूं, ये काम भी करना था, तो इस वजह से मैंने आज इस वीडियो का एंडिंग लिया है। तो आई होप आपके घर में सब खुश रहे, सलामत रहे, और सबको हैप्पी दीपावली और हैप्पी धनतेरस, और मस्त रहो, खुश रहो। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब बटन टक से दबा दो। बाय।